सिरिमालवा में कई आईटीआई के छात्र छात्राएं जो परीक्षा से वंचित रह गए हैं और इस पूरे मामले में विद्यार्थी परिषद के नगर मंत्री मोहित यदुवंशी ने बताया कि परीक्षा 12 अप्रैल 2021 को की गई थी, जिसका प्रवेश पत्र भी 11 अप्रैल की रात्रि जारी हो गया था। इसकी जानकारी होशंगाबाद समेत अन्य आईटीआई प्रबंधन द्वारा किसी न किसी माध्यम से छात्र छात्राओं तक पहुंचा दी थी, लेकिन शासकीय आईटीआई सिरिमालवा प्रबंधन ने किसी भी माध्यम से छात्र छात्राओं को परीक्षा होने की जानकारी नहीं दी। और जब छात्र छात्राओं ने आईटीआई प्रबंधन से संपर्क करने की कोशिश की तो किसी ने भी छात्र छात्राओं का फोन नहीं उठाया, और जिसके कारण लगभग 23 छात्र छात्राएं परीक्षा देने से वंचित रह गए। जबकि विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने छात्र छात्राओं के साथ आईटीआई प्रबंधन से बात की। आईटीआई प्रबंधन का कहना था कि आईटीआई के स्टाफ के कई लोगों को कोरोना हो गया था, जिस कारण परीक्षा की जानकारी नहीं दी गई। अब इस स्थिति में कई छात्र छात्राएं परीक्षा देने से वंचित रह गए हैं, परंतु अभी जब परीक्षा परिणाम घोषित हुए तो अनेक छात्र छात्राओं को फेल कर दिया गया, जिसमें पूरी गलती आईटीआई प्रबंधन की बताई जा रही है। ये लेटर पढ़ो, ये अपन ने लिखा है वहाँ पे भोपाल में, थोड़ा पढ़ो इसको, क्या लिखा है तुम लोगों के लिए ही लिखा है। सर ये लिखा है आपने, तो बच्चों को तो जानकारी दी नहीं, इसकी जानकारी तो छात्रों को कुछ दी नहीं। बच्चों को जानकारी उन्होंने ग्रुप पे डाली होगी, संस्था ही इसको गंभीरता से नहीं ले रही। तो जरूर हमने एक बार जाया था ना, एडमिट आए थे, सबने बोला था अभी कोई पत्थर नहीं। अब मैं संबंधित उनसे और बात करूंगा। नहीं सर, बात करना पड़ेगा, वो 3 दिन के अंदर हमारे अंदर उचित कार्रवाई नहीं की। उधर नहीं आई थी आपके सामने धरने वाले का, अगर तुमने 29 तारीख को जो करके रहा है उसमें हमारा, तो हम 29 तारीख को कैसे मान लिया? हमने मान, हमने एप्लीकेशन लिख के आए, हम लोग अपने घर के काम के लिए कभी काम नहीं लेते, एप्लीकेशन लिख के आए वहाँ, तो हमने और वहाँ का हुआ जब अच्छा लॉकडाउन भी लग गया था ना, उसके दूसरे दिन लॉकडाउन लग गया, लेकिन ग्रुप तो संस्था एक सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है। सर आकर ये जानकारी भी देके गए थे कि बच्चों को जानकारी समय पर दी जाए, लेकिन अभी तक उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। संस्था ही थोड़ी सी मतलब ढीला ले रही है काम, हमें समझ नहीं आ रहा, हमारा उचित कदम होता है। हमारे को भी परेशानी वाला काम है, बच्चे लोगों को परेशानी हो रही है, तो अब चूंकि वो जो उस समय वर्तमान में जो प्राचार्य थे वो भी ट्रांसफर होकर चले गए हैं, तो हम लोग जिस जो भी बनेगा आपके मैसेज को हम जेडी तक ले जाएंगे, और जो भी बात होगी हम बताएंगे। सर 3 दिन के अंदर सर आपको 3 दिन का टाइम देते हैं छात्र छात्राएं, 3 दिन में अगर हम लोग आज अखिल भारतीय परिषद के लोगों के साथ आए हैं, हम लोग आईटीआई आए हैं, तो हमारे क्या हुआ है कि 12 तारीख को हमारे पेपर थे 12 अप्रैल 2019 को, लेकिन अभी तक हमारे पेपर नहीं हो पाए थे क्योंकि हमारे जो टीचर्स हैं उन्होंने हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी। इन्फॉर्मेशन 11 तारीख को रात को ही आ गई थी, लेकिन हमारे सर लोगों ने हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी। और जब हम लोग यहाँ आए उनसे बात करने के लिए 2 दिन के बाद, तो उन लोगों ने हमसे कहा कि बेटा हम लोग कोरोना पॉजिटिव थे, और दूसरे सर जो थे उन्होंने कहा हम भी कोरोना पॉजिटिव थे। तो क्या हम लोग मतलब ये चाहते हैं कि क्या सारा स्टाफ कोरोना पॉजिटिव था? कोई था ही नहीं यहाँ पे जो हमको इन्फॉर्मेशन दे पाए, तो हमें इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। उसके बाद में मतलब हमसे कहा गया कि बेटा आगे की कार्यवाही होगी, आप लोग बैक पेपर नहीं देंगे, लेकिन फिर बाद में अभी 3 दिन पहले हमारा रिजल्ट आया है कि हम लोग सब फेल हो गए। तो हम लोगों ने आज हमारे जो प्रिंसिपल है आईटीआई उनको ज्ञापन दिया है और उन्हें 3 दिन का टाइम दिया है। अगर उन्होंने 3 दिन के अंदर हमारे लिए कुछ उक्त कार्यवाही नहीं की, तो फिर हम लोग अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लोगों के साथ मिलके कुछ कार्यवाही करेंगे 3 दिनों के बाद। कोई आके बात करना, कौन ना कोई बात करना, जिसको भी बात करना है आके जो बात करना, जो लोग आ जाओ परीक्षा 12 अप्रैल 2021 को थी, जिसका प्रवेश पत्र 11 अप्रैल को रात में आ गया था।
लेकिन हमें मतलब समस्त विद्यार्थियों को इसकी कोई जानकारी नहीं दी गई कि हमारे एग्जाम, तो हम लोग संस्था पे एग्जाम लेने नहीं पहुंच पाए, बाकी सारे बच्चों के एग्जाम हो गए थे। लेकिन जब हम इसको यहाँ ITI आए और हमने यहाँ इन्फॉर्मेशन दी, तो हमने पूछा कि बोले टीचर्स को कोरोना हो गया, तो सर कोई तो टीचर था जो यहाँ पे होगा जो हमें इन्फॉर्मेशन दे सके कि हमारा 12 को पेपर है। तो सर अब हमें आप ये बताइए कि हम वेट पेपर क्यों दें, हमारी कोई गलती नहीं है, क्यों दें हम वेट पेपर? उसमें सप्ली भी दे दी गई, सप्ली भी दे दी गई, सारे छात्र परिणाम आ गया सर। नहीं, उसके लिए हमने यहाँ से लेटर लिखा था और उसको वहाँ पर मार्किंग करा है, अब लेटर भी अपने पास से भेजे गए हैं, तो व्हाट्सएप पे उस संबंध में हमने लेटर भेज दिए थे। इसके बाद लॉकडाउन भी लग गया था, तो सारे बच्चों के पेपर हो गए थे। हाँ, वो अगली बार तो संस्था की ये हुए हैं सर, हमारे रिजल्ट आ गए, हम लोग के रिजल्ट आ गए सर, हो रहे हैं ना, अभी एक महीने पहले ही आया तुम लोग। सर, ये आपके ITI के छात्रों ने जी कल एक ज्ञापन दिया है, उस ज्ञापन में उन लोगों का ये कहना है कि हम लोगों को परीक्षा से वंचित रखा गया है, उसका क्या कारण है? सर, इसका कारण है कि हम लोगों को जो परीक्षा जो थी वो 12 अप्रैल को होने थी, परंतु हमारे को जो इन्फॉर्मेशन मिली वह 11 अप्रैल को ही मिली, और 11 अप्रैल को हमारे को भी काफ़ी लेट मिली, रात में इन्फॉर्मेशन मिली, क्योंकि बच्चों के 12 अप्रैल को सुबह से ही एग्जाम थे, इसकी वजह से उनको जो मैसेज थे वो कन्वे नहीं हो पाए, या कन्वे भी जो हमारे प्रशिक्षण अधिकारी ने किए तो उनको बराबर देख नहीं पाए, क्योंकि सुबह से ही बच्चों को जाना था। ऐसे कितने छात्र हैं जो परीक्षा से वंचित रहे हैं? ऐसे 23 छात्र हैं, उसमें 18 छात्र जो हैं कोपा के हैं और 5 छात्र इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं, तो इन्हें परीक्षा के लिए अलग से चांस मिल जाएंगे। सर, इस स्थिति में इन छात्रों का क्या होगा? इन छात्रों को एग्जाम दिलाने के बाद इनका जो भी परिणाम आएगा वो घोषित कर दिया जाएगा। अभी कुछ आपके उच्च अधिकारियों से बात हुई इस विषय में? हाँ जी, हमने बहुत बार इसके बारे में लेटर भी लिखे हैं कि हमने इसके बारे में लिखा था कि लॉकडाउन होने की वजह से हमारे जो कुछ प्रशिक्षार्थी हैं वह परीक्षा से वंचित रह गए हैं, तो इस संबंध में हमने अपने उच्च अधिकारियों को इसके द्वारा सूचित किया था और उन्होंने भी कार्रवाई करने के लिए हमें निर्देश दिए थे। थैंक यू सर। लॉकडाउन लग गया, लेकिन ग्रुप तो एक सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है, आपको सर हम मिलकर आकर ये जानकारी भी देके गए थे कि बच्चों का, चूंकि वो जो उस समय वर्तमान में जो प्राचार्य थे वो भी ट्रांसफर होकर चले गए हैं, तो हम लोग जिस जो भी बनेगा आपके मैसेज को JD तक ले जाएंगे और जो भी बात होगी हम बताएंगे आपको। सर, 3 दिन के अंदर सर आपको 3 दिन का टाइम देते हैं छात्र छात्राएं, 3 दिन में अगर कार्रवाई उचित नहीं की गई तो छात्र छात्राएं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं के साथ यहाँ पर ITI के सामने उग्र आंदोलन करेंगे, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी ITI प्रशासन की और शासन प्रशासन की रहेगी। ये ज्ञापन भी रहा सर, ठीक है, कोई ज्ञापन इसको भिजवा देते हैं सर। लेकिन आपके एग्जाम हो गए ITI में, जेवी तो सर वो उसमें हमारी थोड़ी ना वही है कि तुम लोगों के साथ कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, हम लोग भी चाहते हैं कि आपका नुकसान नहीं हो, क्योंकि आप लोग हमारे स्टूडेंट ही रहे, हमारे ही बच्चे हो, पर हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स के जो बच्चों का ऐसा दिक्कत आ गई है, समितियाँ आ गई, तो उससे हमारे को भी तकलीफ होती है, क्योंकि जो BSc है, BE है, सब MSc वाले सब घर पर बैठ के एग्जाम दे रहे हैं, उन लोगों को भी परेशानी हुई है इसका। सर, आप भी घर पे बैठ के दे सकते थे अगर होता तो, हाँ, हमें बताया ही नहीं पेपर है। नहीं, घर पर बैठ के नहीं दे सकते, ऑनलाइन दे देते, कैसे भी दे देते, ऑफलाइन दे देते, पर बताना भी चाहिए ना एग्जाम में। ठीक है ना, मैं इसको आगे भिजवा देता हूँ JD साहब को, है ना, जो भी कार्रवाई होगी आपको। तुम्हारे टीचर ही उनके पास ही था, दोनों के पास, संतोष सर के पास और प्रभारी कौन है प्रचार? मेरे पास तो फिर आप उसको टाइट करिए वो दोनों। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो इसके बिल्कुल सख्त विरोध में हूँ कि बच्चों का कोई नुकसान हो जाए, मैं ऐसा चाहता भी नहीं, क्योंकि
तुम जैसी परिस्थिति से पढ़ के आए हो, मैं ऐसी परिस्थिति से मैं भी पढ़ के आया हूँ। और यदि बच्चों का कोई नुकसान होता तो मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। आपने देखा भी होगा, मैं आप मेरे पास तो चार्ज यदि होता तो उस समय ऐसी कंडीशन आती भी नहीं। परंतु यदि आपको तकलीफ हो रही है तो सबसे ज्यादा तकलीफ मुझे भी हो रही है। इसमें अभी मैंने अभी बच्चों के बहुत से बच्चे जो हैं अभी एग्जाम दे रहे हैं, उसमें से अभी एनसीपीटी वाले जो कैंडिडेट हैं वो भी नहीं आ पाए वो MIS पोर्टल के। तो मैंने कम से कम दसियों बार ऊपर इन्फॉर्मेशन दी है। वॉइस ऑफ प्राइड के लिए सिरिमालवा से संतोष चंदेल की रिपोर्ट।